भारत का रक्षा बजट क्या है? हाँ, यही बताओ। चलो, भारत का रक्षा बजट इसमें कितना है? डिफेंस जी सर, बताओ। तो कलर समझ करके तुम राजपूत को भी जवाब पूछिए। नहीं क्लियर। पिछले बजट से कुछ बढ़ोतरी हुई है कि घटोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज में बताओगे कितना परसेंट करीब बढ़ा है? लगभग 10% लगभग। लगभग 10% 10% के लगभग बढ़ा हुआ है। ये सी हॉक क्या है? विमान है कि क्या है? सिया विमान है, लड़ाकू लड़ाकू विमान। कहाँ ये, कहाँ से लिए गए हैं? भारत के स्वदेशी हैं, बाहर से मंगाए गए हैं? बाहर से मंगाए गए। कहाँ से? यूएसएस। यूएसएस। राफेल कहाँ से मंगाई जा रही थी? फ्रांस। फ्रांस। क्यों इसको लेकर के विवाद हुआ शुरू में? सर, इसको लेके कहीं कहीं सौदेबाजी में विवाद हुआ कि जो सौदा यूपी गवर्नमेंट चल रही थी तो गवर्नमेंट ये आरोप लगा रहे थे कि हम जब सौदा कर रहे थे उससे महंगा सौदा हुआ है इसमें, इस गवर्नमेंट में। अच्छा, वास्तविकता क्या थी? सर, वास्तविकता थी कि जो इक्विपमेंट, नवीन इक्विपमेंट लगाए गए थे इसमें, उसके कारण कुछ दाम बढ़ा था, लेकिन कोई उसमें बहुत अंतर नहीं था। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस। सर, तीनों जो सबसे वरिष्ठ होता है उसमें? ना 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 ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस तीनों सेनाओं का जो वरिष्ठ होता है वो तो उसके लिए तो प्रोविजन हो रहा है COAS। जी सर, ठीक है ना? उसका तो भी अंदर पाइपलाइन प्रेसिडेंट होती है। जी सर, राष्ट्रपति जो होता है। एयरफोर्स में जो हायरार्की है नीचे से ऊपर से बता पाएंगे? सॉरी सर, नहीं बता पाएंगे। नेवी अभी सब तैयार नहीं। आर्मी में ये भी तैयार नहीं। ये भी तैयार नहीं किया। सबसे बड़ा पद क्या है? किस सेना से? तीनों आर्मी में बताइए। थल सेनाध्यक्ष थल पे होते हैं। उसका रैंक क्या है? क्या जनरल, मेजर जनरल या कुछ ब्रिगेडियर, क्या कहें? जनरल। नहीं, जनरल का उनका रैंक क्या है? जैसे कोई, अगर कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जी, तो सर्टनली ही इज गुड टू बी एलिवेटेड एज आईएएस। जो आदमी आईएएस एलिवेट हो जाएगा जी, अगर मान लो पीछे सर को जो आईएएस के कैटर में आता है जी, तभी उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो वो आईएएस है ना जी, उसी तरह से तो आर्मी चीफ का लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है जी, उसका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से के नाम इस समय? वाइस अध्यक्ष के प्रमुख श्री धनुआ जी, श्री धनुआ, श्री धनुआ से बात करें, श्री सिंह से संतोष कुमार सिंह बात करें, ठीक है ना? बेटा पूरा नाम थल सेना अध्यक्ष कौन है? अरे, सबसे ज्यादा चर्चित तो वही नाम है, रोजा उनका आता है। रावत है कोई? जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत साहब जी सर। और एक और व्यक्ति नौसेना। अच्छा, तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जी सर एक नई व्यवस्था कर दी गई है मोदी जी के द्वारा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। CDS नाम है सर। CDS एक नई व्यवस्था की गई है जिसमें तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन की बात की गई। कंबाइंड डिफेंस सिस्टम, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, इतिहास में तीन लोगों के साथ ग्रेट शब्द लगा हुआ है जी सर, जनरल द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट जी। क्या समानता इन तीनों में? तीनों अलग अलग काल में रहे हैं, क्यों ऐसा है कि तीनों को ग्रेट कहा जाता है? सर, महानता के कुछ पैमाने होते हैं।
अगर कोई शासक अपने समय में कुछ विपरीत परिस्थिति में काम करता है, बड़ा काम करता है, इसके साथ साथ कुछ जन कल्याणकारी करता है, ऐसे लोग महान शासकों के लिए श्रेणी में आते हैं। तीनों शासकों ने अपने काल में कुछ महान काम किए हैं, इसलिए महान कहा जाता है। किस क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किया? अशोक ने सर जन कल्याण में महान काम किया है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था अशोक ने। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने अपने एक राजनीतिक विस्तार करने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द जो होता है दीन इलाही लाया था, और इसके साथ साथ विपरीत परिस्थिति में जब उसके पिता हुमायूं द्वारा जो है एक अस्थिर सरकार थी, इसके बावजूद भी उसने एक अपने सशक्त साम्राज्य की स्थापना किया था। और अनगिनत महान सर पहली बार भी उसमें जो है एक विश्व विजेता का स्वप्न दिया कि कैसे विश्व विजेता बनाया जा सकता है, तो उस आधार पर उसको महान कहा जाता है। उसका गुरु कौन था? सॉरी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जी भारत को साया जी, तो उसने एक नई पद्धति का विकास किया जिससे कि भारतीय शासकों को उसने परास्त कर दिया और रणनीति क्या थी खास उसका नाम है जी सर। और वहीं से पता चलने लगा टेक्नोलॉजी की भूमिका और रणनीति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो सामने सामने की लड़ाई महत्वपूर्ण होती है या संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं होता। मनसबदारी व्यवस्था को आप कैसा मानते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था मानते हैं या सेना की दृष्टि से इसको देखने में महत्व देते हैं? सर अकबर द्वारा मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, इसमें युद्धता अकबर के द्वारा की इसके पहले सर इसके पहले चंगेज खान मध्य एशिया के जो शासक था उसके द्वारा पद्धति स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाइड किया गया था अकबर द्वारा। इसने योग्यता के आधार पर जात और सवार एक पद होता है, इसके द्वारा सैनिक और असैनिक अधिकार किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था, तो वो सैनिक भी कार्य करता था और असैनिक भी कार्य करता था। प्रशासनिक दृष्टि से वो बात ये है कि बादशाह जब चाहता था तो जो सबसे पीछे है उसे वो खुद ही आगे ले आ सकता था। यानी मान लीजिए 1000 मनसबदार है जी सर, तो जम कराकर 5000 ले जा सकता था या और आगे ले जा सकता, यानी योग्यता का आकलन उतना करता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप ये बताइए कि सीपैक ये वन बेल्ट वन रोड का अंग है या दोनों अलग है? सर ये वन बेल्ट वन रोड का अंग है। और सीपैक फिर नाम क्यों रखा है? चूंकि ये पाकिस्तान से होके जा रहा है इसलिए चाइना पाकिस्तान के नाम पे रखा है। ये वन बेल्ट वन रोड का भारत क्यों विरोध कर रहा है? सर क्योंकि इसकी एक ब्रांच जो है कुछ देर संदेह के दृष्टि से देखते हैं। हाँ भाई बहन वो सशंकित हैं, और इसकी वजह क्या है? सर भारत की जहाँ तक बात है भारत इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि इसकी एक ब्रांच जो है ऑक्युपाइड कश्मीर होकर के जा रही है, इसलिए भारत अपने क्षेत्र में इसको बिना भारत के अनुमति के जा रही चुकी इसलिए इसका विरोध कर रहा है। और विश्व में जो इसका विरोध कुछ देश कर रहे हैं वो कहीं कहीं जो चीनी उत्पाद है उनको डर है, क्योंकि जो राष्ट्रीय उत्पाद हैं या राष्ट्रीय उद्योग हैं इससे खतरे में आ सकते हैं। अच्छा एक युद्धाभ्यास होने वाला है और वह युद्धाभ्यास भारत के पड़ोसी देश से होने वाला है, उसके साथ मिलकर उसका नाम क्या रखा गया है? दोनों ये एक तरह से कहिए तो द्वंद्वी है और अतीत में तो युद्ध भी हो चुका है भारत में। ये हिम विजय एक युद्धाभ्यास का नाम रखा गया भारत और चाइना के बीच में
कहाँ होना है ये मालूम अच्छा एक और युद्धाभ्यास हुआ है बुल स्ट्राइक ये एशियान की भूमिका क्या है एशियान जी एक संगठन है जी एशियान की भूमिका क्या है भारत की दृष्टि से भारत इधर ज्यादा ध्यान दे रहा है सर एशियान के सदस्य देश कौन कौन से सर एशियान के सदस्य दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देश हैं इसमें 10 देश हैं इसमें म्यांमार थाईलैंड लाओस वियतनाम इंडोनेशिया सिंगापुर ऐसे पड़ोसी देश हैं सर इसमें 10 और भारत की ज़्यादा उपभोक्ता है सर इससे प्राचीन काल से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं तो भारत अपना एक सामरिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध इस देश से जाना जाता है सार्क के स्थान पर किस संगठन को भारत ज़्यादा महत्व लेना शुरू कर चुका है सर ऐसे दो संगठन हैं एक बिम्स्टेक है और एक आसियान है और इस तरह से सार्क जो है वो प्रभावहीन होता जा रहा है ये भारत खुद ही चाहता है सर कश्मीर के संदर्भ में आप बताएं 35A ये इस अनुच्छेद में है भी या नहीं भी 370 के नाम पर हम लोगों ने सुना जी सर 35A क्या 35A सर राष्ट्रपति के एक सुविधा के द्वारा जोड़ा गया था ये कश्मीर में लेकिन ये किस अनुच्छेद में परिशिष्ट में इस पूरे संविधान में कहीं जी सर ये केवल इसके परिशिष्ट में रखा गया है अच्छा लद्दाख की जो भूमिका है वो यूटी की है ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार यहाँ कैसे विकास करेगी किस तरह से विकास करेगी सर किसी केंद्र शासित देश में जो केंद्र सरकार अलग से बजट देती है और अलग शासन की व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्र का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता है तो इसलिए वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसमें अपना योगदान देती है और कितने जिले हैं लद्दाख में दो जिले हैं सर क्या नाम है कारगिल और लद्दाख जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितने सॉरी सर क्या पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी रखा गया है जी उसमें है पाक जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो गिलगित और बाल्टिस्तान की भी बात उसमें समाहित है पाकिस्तान तो इसका अपना पांचवा प्रांत बनाने का प्रयास कर रहा है जी देखिए सर पीओके में ये शामिल नहीं पीओके में सिर्फ ऑक्यूपाइड कश्मीर शामिल नहीं वो तो पाक अधिकृत कश्मीर तो वो भी आ जाएगा जी और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो दो भाग में बढ़ गया एक तो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र आ गया और एक आज़ाद कश्मीर उसका नाम उसने रखा है तो दोनों उसमें आजाद तो अक्साई चीन कहाँ है अक्साई चीन जो पार्ट पाकिस्तान ने पीओके का जो पार्ट था सियाचिन के पास उसको जो दे दिया है चे चीन को अक्साई चीन कहा जाता है 63 में वो ले लिया है उसने 62 की लड़ाई में जी सर वो अक्साई चीन को उसने खुद दे दिया जी पाकिस्तान ने चीन को कह दिया वो अक्साई चीन से नहीं दिया पीओके का ही कुछ पार्ट है सर वो एक घाटी है सक्षम है जिसको उसने पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया अच्छा भारत और चीन की जो सीमाएं हैं वो कितना है किलोमीटर सर लगभग 6000 किलोमीटर अच्छा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमाएं वो कितने प्रति किलोमीटर कितने किलोमीटर वो लगभग 4000 किलोमीटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है सर किसी राष्ट्र में जो है कोई नया उद्योग स्थापित करने के लिए
जितना सहूलियत सरकार देती है जितनी आसानी से कोई स्थापना उद्योग हो जाता है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत साहब पिछले वर्ष अंडर हैंडेड आ गया था, इस बार कुछ सुधार हो गया है। सर कितना ऊपर आया सर? चेक नंबर जो अप्रवासी भारतीय हैं जी सर, उनका देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? सर इनका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विश्व में जितने भी प्रवासी किसी भी राष्ट्र में रहते हैं सबसे अधिक जो पैसा भेजा जाता है वो भारतीय प्रवासी द्वारा अपने देश में भेजा जाता है, इसलिए कि उनका आर्थिक व्यवस्था बहुत योगदान है। आपके जिले की जहाँ के आप रहने वाले हैं उसके पड़ोस में भी एक फंक्शन हुआ था प्रवासी भारतीयों को लेकर, जी सर मोदी सरकार ने कराया, जी सर उसका क्या रिजल्ट? सर वाराणसी में होता है सर, इसका रिजल्ट है सर कि इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है उससे बड़ा, जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के वो किए जाने चाहिए? बिल्कुल सर, इस तरह का अध्ययन करने से कहीं कहीं संबंध और मजबूत होते हैं और उनका जुड़ाव देश बढ़ता है और कहीं कहीं सरकार की भूमिका अच्छी होती है जिसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। मोदी डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ बता सकते? मोदी डॉक्ट्रिन बड़ी चर्चा में है, मोदी डॉक्ट्रिन क्या है? सर मोदी डॉक्ट्रिन सामरिक और आर्थिक परिदृश्य में भारत को एक मजबूत परिदृश्य पर रखने के लिए एक पहल है। उसमें उसके कुछ पहलू बताइए, जैसे कौन क्या क्या उसमें समय वो कर रहे हैं? सर डिप्लोमेसी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हैं? मिलिट्री फील्ड में क्या कर रहे हैं? शुरू में तो कहा था ना आग दिखाएंगे ना आग झुकाएंगे, आग मिला के बात करेंगे। देखिए दक्षिण एशिया के देशों से भी विकास को निकाल दिया जाए तो बहुत ठीक संबंधों की श्रृंखला शुरू हो गई है। जिसने देखा होगा नेपाल जो हमारा पड़ोसी था उसके साथ भी आपने देखा होगा इसमें बहुत अच्छा चल रहा है जी। बांग्लादेश के साथ भी तालमेल ठीक चल रहा है जी। मध्य एशिया के देशों के साथ भी ठीक तालमेल चल रहा है जी। जो सोल सुपर पावर जो अपने को कहता है यूनिपोलर वर्ल्ड में, उससे उसके साथ भी जैसे भी है मतलब चाहे वो दिखावटी कहिए या राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे कहिए, उसके साथ भी बहुत साथ मतलब सदा हुआ एक संतुलन चल रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी की जो डॉक्ट्रिन है वही कामयाब हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। वो एक अलग बात है कि अर्थव्यवस्था स्लो डाउन चल रही है, वो एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसके बारे में अगर जनरलाइज करके आप देखें तो ये कोई भारत की समस्या नहीं है जी, पूरे विश्व में ये मंदी छाई हुई। तो इस मंदी को छाने के दौरान कई देश जो है जिसकी समस्या आती है तो बिल आउट पैकेज देते हैं, फिर आपने सुना होगा बिल आउट पैकेज क्या है? बिल आउट पैकेज सर अभी अपनी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन महोदय ने 70,000 करोड़ रुपए का बिल आउट किया है, जिसमें 20,000 जो है उन्होंने कृषि सेक्टर में किया है और 50,000 जो उसने ये प्रॉपर्टी क्षेत्र में लिया है। ठीक ये सुतो जी, आप अपना थोड़ा सा यूपी का जीएस ज्योग्राफी थोड़ा देख लीजिए और पॉलिटी सर डिफेंस हमारा भी जो है पूरा मैं समझ रहा हूँ इसीलिए उसको रेटेस्ट कर रहा हूँ।